Now, so it is made up of protein ठीक ना, 20 to 70% protein है इसके अंदर, ठीक है, lipid 20 to 79-80% ही पकड़ी है इसको, ठीक ना। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम्स है और वाटर है ना। इतने सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। ठीक है, प्रोटीन देखते हैं कौन सर, सा है। एनसीईआरटी में कोलेस्ट्रॉल भी मेंशन है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताएं। कोलेस्ट्रॉल कम्स अंडर लिपिड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड के अंदर आएगा। मम्मी दादा नानी को बता दें, है ना। नहीं ले रही नानी सर। हाँ, क्या बोल रहे हो, कोलेस्ट्रॉल मेंशन करा है, कोलेस्ट्रॉल मेंशन करा है। कोलेस्ट्रॉल आता है लिपिड के अंदर, जो अपना बताओ कि कोलेस्ट्रॉल लिपिड के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। बायो मॉलिक्यूल पढ़ चुकी हो तुम, है ना, ठीक है। ओके, चलिए, प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन होगा हम डिस्कस कर दे रहे हैं यहाँ पे। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, फाइन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, फंक्शन बताएंगे सबका, एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक जब डायग्राम हम बनाएंगे उस समय बताएंगे, है ना, एक्सट्रिंसिक कौन सा होता है और इंट्रिंसिक कौन सा होता है, फाइन, ठीक है, ये बताएंगे आप। नेक्स्ट लिपिड है, देखिए इसी के अंदर हम बता रहे हैं कि सिसालिन, बोल रहे थे ना कोलेस्ट्रॉल भी, अभी मैं दिखा रहा हूँ। लेसिथिन इज ऑल्सो देयर, कोलेस्ट्रॉल, CHOLESTROL, कोलेस्ट्रॉल एंड गैलेक्टोलिपिड, ठीक है, गैलेक्टोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ये भी प्रेजेंट रहेगा। कार्बोहाइड्रेट रहता है 1 to 5%, उसमें हम डिटेल्स नहीं बताएंगे, अरे ये कोई खास नहीं है, इम्पोर्टेंट। ओके, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहने का मतलब वह प्रोटीन होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पे एम्बेडेड रहेंगे, आउटर लेयर पे प्रेजेंट रहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक कहने का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एंड टू एंड पे प्रेजेंट रहेंगे ना, अपर पोर्शन से स्टार्ट होगा और इनर पोर्शन पे आके खत्म होगा ना, बताएंगे डायग्राम के थ्रू भी बताएंगे, दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है, बीच बीच में एम्बेडेड रहते हैं, इट्स लाइक दे विल आल्सो कम अंडर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, है ना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर जैसे। कैरियर प्रोटीन वो एक्रोस रहते हैं, ठीक ना, एक्रोस कहने का मतलब एंड टू एंड प्रेजेंट रहेंगे, वो सब एक एंड से दूसरे एंड तक प्रेजेंट रहेंगे, है ना, ठीक है। उनका फंक्शन होगा मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर से बाहर करना या फिर सेल के अंदर ले जाना, ठीक ना, ये फंक्शन होगा उन लोग, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन। तो कुछ कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक नेचर के ही होंगे, लेकिन वो अंदर रहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले पोर्शन पे रहेंगे,
फाइन, और उसका मेन फंक्शन होगा एंजाइमेटिक रिएक्शन करने का। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी लिपिड बायलेयर रहेगा, मेम्ब्रेन रहता है, ठीक ना, मेम्ब्रेन सिस्टम उसके अंदर भी प्रेजेंट रहता है, ओके। और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से एक एंजाइम एसोसिएटेड होता है जो कि क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, व्हिच कन्वर्ट एफएडी इनटू एफएडीएच2। ये हम पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। हाँ, यहाँ पे देखते हैं रिपीट, सिफालिन है, लेसिकिन है, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। बताएंगे सिफालिन लेसिकिन का स्ट्रक्चर जब हम लोग बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तब, ठीक है। ये सब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, गैलेक्टोलिपिड ग्लाइकोलिपिड दे एक्ट एज इपिटॉप, इपिटॉप्स की तरह काम करते हैं। अब पूछोगे इपिटॉप्स क्या होता है, सो यू नो व्हाट इज एंटीजन, एंटीजन एंटीजन कौन रिस्पॉन्ड करे, हेलो, ब्लड में जो होता है, ओके, एंटीजन ब्लड पे भी होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर में एंटर कर जाए तो उसको हम लोग एंटीजन ही कहेंगे, है ना, उसको भी एंटीजन ही पुकारेंगे हम लोग। तो हमारा शरीर पूरे एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, एंटीजन के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उसी को रिकॉग्नाइज करता है, पार्टिकुलर सब्सटेंस को ही रिकॉग्नाइज करेगा, उस पार्टिकुलर सब्सटेंस को ही हम लोग एपिटॉप्स कहते हैं या एंटीजेनिक डिटरमिनेंट कहेंगे हम लोग। ठीक है, सो ये जो ग्लाइकोलिपिड चाहिए एक्ट एज एपिटॉप, है ना, एपिटॉप्स की तरह काम कर सकता है, डिटरमिनेंट की तरह काम कर सकता है, फाइन। कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, वाटर, ये सब स्टेबिलिटी से रिलेटेड, फाइन। नाउ मॉडल फोर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो हंड्रेड ऑफ मॉडल्स वे गिवन, ठीक है, हंड्रेड तो हम बोल रहे हैं, रिसर्च पेपर देखोगे, लाइब्रेरी छान मारोगे तो पता चलेगा बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, है ना, ओके। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज कोई एक पीएमओ से बात आ जाए कि भैया एडवाइस दीजिए देश को कैसे चलाना है, है ना, तो वी आर 140 crores, तो 100 crores का एडवाइस आएगा ही, है ना, 100 crores का एडवाइस आएगा। उसी तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे साइटोलॉजी के ऊपर, है ना, सबने अपने अपने फाइंडिंग्स करी, लेकिन एक्सेप्ट किसी एक साइंटिस्ट का ही हुआ है, और हाँ वो साइंटिस्ट का 100% वर्क नहीं है, वो भी अपने लोअर साइंटिस्ट से, अपने सीनियर्स लोग से मदद लिया कुछ कुछ, है ना, एकदम ही वो डिनोवो नहीं दे दिया है मॉडल को, है ना, डिनोवो नहीं दिया है, ठीक है, चलिए बता रहे हैं यहाँ पे कौन से मॉडल दिए गए थे। ओवरटोन्स मॉडल, ये रिजेक्टेड होगा, ठीक है, सर, रिजेक्टेड मॉडल्स एग्जाम में आते हैं क्या? ओवरटोन्स मॉडल साइंटिस्ट का नाम पूछता है, एसर्शन रीजन से क्वेश्चन बनता है, पढ़ना नहीं है इसके बारे में डिटेल। ओवरटोन्स मॉडल, ठीक है, गिवन बाय ओवरटोन, ओवरटोन ने दिया था, रिजेक्टेड हो गया, ठीक ना, इन्होंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सिंगल लिपिड लेयर, नहीं लिखवाएंगे हटेगा, PMN OVERTON ओवरटोन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लिपिड लेयर, रिजेक्ट हो गया बेचारे का मॉडल। नेक्स्ट देखते हैं सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल ये डैनियल एंड डेविडसन ने दिया था,
डाइवर्सन दिया ना, ठीक ना। ओके, सैंडविच मॉडल, सैंडविच से क्या समझ पा रहे हो? समथिंग इज प्रेजेंट इन बिटवीन, है ना, कुछ बीच में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग सैंडविच मॉडल कहेंगे। ये भी रिजेक्टेड है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, रॉबर्टसन ने दिया था, है ना, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सब रिजेक्टेड है। एंड द लास्ट वन फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, किसने दिया था? सिंगर एंड निकोल्सन। सॉरी, चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, इतना मेहनत करेगा तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम मॉडल बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं लिपिड बाय लेयर का, ठीक ना। आप लोग भी ड्रॉइंग डायग्राम बनाएंगे, अभी मैं पूछूंगा बनाने के लिए आप लोग को भी। सैंडविच मॉडल, सॉरी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोल्स ने दिया था। एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट फॉर दिस। जोसना, लिपिड का स्ट्रक्चर पढ़े आपके? नहीं अभी हो रहा है, अभी लिपिड पहुंच गए? यस सर। ठीक है, बढ़िया से पढ़ेंगे, मुझे थोड़ा आराम होगा। इस तरीके से क्वेश्चन था इसी से। हाँ, पूछेंगे पूछेंगे। तो वो एमिनो एसिड का जो चेन होता है, वो दो चेन किस किस बॉन्ड से जुड़ा रहता है? दो चेन मतलब क्या, कौन से दो चेन? दो जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दो चेन है, तो ये दोनों चेन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो दो एमिनो एसिड ना एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का दो दो चेन है, तो वो दोनों चेन कैसे? वो दो चेन जुड़ सकते हैं सल्फर से, ठीक ना, उन दोनों के बीच में सल्फर बॉन्डिंग हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, हाइड्रोफोबिक हो सकता है, वैन डर वाल हो सकता है, फाइन, ये सब हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर में, टर्शरी स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे ना। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड है ये, और इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक टेल कहेंगे, इसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे,
शुगर ये हो जाएगा इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, इसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे, फाइन। यहाँ पे ये वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म है और ये वाला आउटसाइड द सेल है, आउटसाइड द सेल है। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, समझ में आया जी, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अरे यार मेरे को yes, किसी को एडमिट करना था, मैंने किया कि नहीं किया, अरे यार मैंने किया ही नहीं वो लोग एडमिट। ओके चलिए सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ठीक, बनाओ जरा जल्दी से डायग्राम। क्या 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 बोल रहे हो, वो तो क्या सर डायग्राम थोड़ा नीचे कीजिए। नीचे मतलब क्या, इसको बंद कर दे, ये सही है, सही है, सही है। हेलो यस सर, ठीक बनाओ जल्दी, अभी बहुत कुछ करना है। अभी हमें डिफरेंस करना है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन में। हो गया सर। चलो यहाँ पे दो प्रकार का प्रोटीन है ना, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है ना, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मतलब बाहर वाले प्रोटीन को हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। दिस इंटरैक्ट विथ हेड पोर्शन ओनली, समझ में आया। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इट ओनली इंटरैक्ट विथ हेड, कहने का मतलब इसका मतलब समझ में आया कि नहीं जी, बताओ। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इंटरैक्ट विथ हेड का मतलब समझ में आया। अरे यार ये जो प्रोटीन नहीं रहे, हाँ मतलब कि हेड पोर्शन से ही इसका इंटरैक्शन होना है, ठीक है, हेड पोर्शन से होगा इंटरेक्शन विथ। यहाँ पे इंट्रिंसिक में क्या होगा, इट इंटरैक्ट विथ बोथ, पोर्शन आता है एसर्शन रीजन से,
with both head and tail. ठीक है. अच्छा एक चीज बताओगे, कौन सा प्रोटीन इन दोनों में से कौन सा प्रोटीन आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? कौन, टेल मी, कौन से प्रोटीन को आसानी से निकाला जा सकता है? एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक ना, इजीयर टू आइसोलेट, डिफिकल्ट टू आइसोलेट. ठीक है, क्योंकि बाहर आसानी से निकल जाएगा ना, यदि स्लाइट चेंज भी कर देंगे पीएच, इजियर टू आइसोलेट, स्लाइट चेंज इन पीएच. रिमूव दिस प्रोटीन. ठीक है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय डिटर्जेंट. याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है. डिटर्जेंट से राइट. अच्छा इसमें कोलेस्ट्रॉल हम बनाए कि नहीं? कोलेस्ट्रॉल आप लोग बना देंगे, बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल रहता है, इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है. क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे है ना, दिस इज कोलेस्ट्रॉल है ना, ये कोलेस्ट्रॉल है का फंक्शन होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का, ये भी क्वेश्चन आता है. सर आवाज नहीं आ रही है. ठीक है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है. यस सर. ठीक है, एक्सट्रिंसिक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. ठीक ना, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है इनर पोर्शन में, इनर पोर्शन ऑफ आरबीसी. समझ पा रहा हो कि नहीं? फॉर एग्जांपल दिस इज मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ओके, ये रहा साइटोप्लाज्म, ये है आउटसाइड एरिया. So, यहाँ पे इस रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है स्पेक्ट्रिन. याद रखें, क्वेश्चन आता है यहाँ से, स्पेक्ट्रिन है ठीक ना, इनर साइड में है. एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन इज स्पेक्ट्रिन. स्पेक्ट्रिन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक ना, इंट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन. ठीक ना, ग्लाइकोफोरिन. ठीक है, ग्लाइकोफोरिन, फोरिन का मतलब होता है फोर, है ना. फंक्शन लिख दे रहा हूँ, in RBC it helps in glucose transport. ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में ये मदद करता है. फाइन, नेक्स्ट जिक्र करते हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल का, इसके मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर. कोलेस्ट्रॉल क्या बोल रहे हो? ठीक
क्या बोल रहे हो जोत्स्ना, हम सुन नहीं पा रहे जी। तुम्हारा आवाज ऑडिबल नहीं, क्लियर नहीं है, कट कट के आ रहा है, फिर से बोलेंगे जरा या मैसेज कर देंगे झट से। जोस्ना रिपीट वन सेकंड प्लीज। हेलो हेलो जोत्ना, हेलो सुनाई नहीं, देखो तुम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, वो वेटिंग रूम हटा दिए है ना? हाँ हाँ हटा दिए हैं, आ रहे लोग मेरे में तो अभी नहीं आ रहा है कोई, वेटिंग रूम में इंतजार कर रहा है, हटा दिए हैं सबके लिए, हटा दिए क्लास में। कौन है, तुम अकेले हो? यस सर। ठीक है, नेटवर्क नहीं होगा शायद वो लोग का, इसलिए नहीं होगा, लेट इट बी, लेट इट बी। ठीक है, रहने दीजिए, रिकॉर्डिंग में है ना, हो जाएगा काम, हो जाएगा, इतने से काम हो जाना। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज बताएंगे, यहाँ पे फ्लूड मोजाइक मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मॉडल है ना वो लचीलापन है, इसमें लचीलापन है, मतलब कि सॉलिड नहीं है एंड स्ट्रेचेबल है। इस चीज़ को आप समझ सकते हो जैसे कि समुद्र है, समुद्र में आइस फ्लोट करते हैं ना, तो समुद्र को कंसिडर करिए आप लिपिड बायलेयर है ना, और आइस को कंसिडर करिए आप प्रोटीन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कंसिडर करिए है ना। तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, ठीक ना। मेम्ब्रेन इज अ सी ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एक्ट्स एज आइसबर्ग व्हिच इज फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड ना, एक फ्रेज यूज किया जाता है फॉर फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इससे पहले कौन सा क्लास था आप लोगों का? पता नहीं, हम नहीं करते क्लास फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये स्टेटमेंट गिवन, ठीक है, मेम्ब्रेन इज इट्स सी ऑफ लिपिड, ठीक है, एंड प्रोटीन्स आर आइसबर्ग, floating in the sea of lipid, ठीक है, ये phrase use किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बताएं, ए बता रहा है फ्लूइड नेचर है किस लिए, ठीक है। ज्योत्ना, एम आई ऑडिबल? यस।
ठीक है जैसे कि आपका घर बना हुआ है, ठीक है, कोई भी घर बनता है, तो घर बनता है तो हम ईंट कंक्रीट वगैरह लगाते हैं, है ना। तो ईंट और कंक्रीट जो है वो तो हिलता नहीं है, मूव नहीं करता अपने से पोजीशन पे। तो पोजीशन पे मूव नहीं करेगा तो हार्ड स्ट्रक्चर देता है। अच्छा मान के चलिए कि यदि ईंट अपने जगह पे थोड़ा सा खिसकता, हिल डुल करता, सीमेंट भी थोड़े हिल डुल करते, तो क्या वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर देता या वो एक लचीला स्ट्रक्चर देता? सर हाँ हिल डुल करता, फाइन। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस तरीके से, है ना, ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर जो कंपोनेंट है ना, इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो हिलते हैं, ठीक है। ये मूव करता है, ये भी मूव करता है, ये भी मूव करता है। ये मूवमेंट के चलते ही लचीला वेव का तरह ये नेचर शो करता है। वेव कहने का मतलब कि फिजिकल टर्म में बता रहे हैं, ठीक ना, मूवमेंट के टर्म में बता रहे हैं, ठीक है। कोई इमिट करता है, ये पास करता है, वो उससे नहीं। जैसे पानी में पत्थर मारते हैं तो वेव की तरह एक फॉर्म होता है ना, ना उसी का तरह ये लचीलापन है, बिकॉज इसकी कंपोनेंट मूव कर पाते हैं, ठीक ना। हम बताएंगे यहाँ पे कौन से कंपोनेंट मूव करते हैं, ठीक है। मेंशन किया ना मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। टाइप ऑफ क्या क्या मूवमेंट होता है हम बता रहे हैं यहाँ पे। रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट, एक यहाँ पे देखते हैं कौन मूव कर पा रहा है। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं लिपिड, लिपिड का मूवमेंट, और यहाँ पे देखते हैं प्रोटीन का मूवमेंट। तो रोटेशनल मूवमेंट कौन कौन करता है देखते हैं। रोटेशनल मूवमेंट कहने का मतलब होगा ये देखो, रोटेशन मीन दे विल रोटेट एट इट्स मेन पोजिशन, है ना। मीन ये अपने पोजिशन पे ही रोटेट करते रहेंगे। समझ पाए कि नहीं, जोतना बताओ जरा। अपने मेन पोजिशन पे रोटेट करते रहेंगे, जैसे कि आप खड़े हो जाओ, यस गोल गोल घूमते रहो, ठीक है, उसको रोटेशनल मूवमेंट कहेंगे। तो रोटेशनल मूवमेंट इधर हो रहा है ना। प्रोटीन भी रोटेशनल मूवमेंट करता है, फाइन, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लेटरल डिफ्यूजन। लेटरल डिफ्यूजन है ना, ठीक है। लेटरल डिफ्यूजन कहने का मतलब होगा, फॉर एग्जाम्पल ये रहा है लिपिड बायलेयर, फाइन। तो ये क्या होगा, अपने मेन पोजीशन से हट के दूसरी जगह चला जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा, फाइन। ये इधर आ जाना है, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, है ना। रोटेशनल ए लेटरल डिफ्यूजन, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, ठीक है, लेटरल डिफ्यूजन। तो ये तो करेगा, ये भी करेगा, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एम से फेवरेट क्वेश्चन में से एक है इस टॉपिक में, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। सर लगता हाँ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी यहाँ से, प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकता है कि वो यहाँ से हट के इधर चला जाए, यहाँ आ जाए, है ना, ये हट के इधर आ जाए, हो सकता है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहने का मतलब होगा, ध्यान से सुनेंगे, ठीक ना, एक लेयर से होके दूसरे लेयर पे आ जाना। जैसे कि ये रहा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, नहीं, इसको कहते हैं हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट फॉलो करता है लिपिड
लेकिन प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट फॉलो नहीं करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से बहुत बार, फिर से मैं बता रहा हूँ। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, इसको कहेंगे हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, है ना। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बहुत ही रेयर होता है, महीने में एक बार होता है। यदि टेम्परेचर हाई कर देंगे तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फाइन, ये सब याद रखेंगे, नोट कर लेंगे जरा। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट अकर्स वंस इन अ मंथ, हाई टेम्परेचर फॉलोस फीवर्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यदि नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा फ्लूइड नेचर होता है ड्यू टू फ्लूडिटी ठीक है, फ्लूडिटी नेचर होने के चलते, है ना, आसानी से सेल का डिवीजन हो सकता है, सिक्रेशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, इट कैन फॉलो एंडोसाइटोसिस। ड्यू टू फ्लूडिटी सेल इफिशियंसी follows secretion endocytosis exocytosis cell growth cell division। ये सब आसानी से कर पाता है। नाउ चैनल के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं। ठीक है, चैनल कहने का मतलब होगा ऐसे इंट्रिंसिक प्रोटीन जो मतलब एक मेम्ब्रेन से होते ही अक्रॉस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये रहा इंट्रिंसिक प्रोटीन, यही बनाएगा चैनल, ना, मटेरियल को पासेज के लिए। फाइन, मेंशन कर रहा हूं किस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर, तरीके से, है ना, इंटेग्रल प्रोटीन है ये। इंटेग्रल प्रोटीन follows secondary structure, secondary structure पढ़ चुकी होगी तुम, secondary alpha helix ना? Yes sir। ठीक ना, ये okay, और ये hydrophilic nature का होता है and it is hydrophilic in nature। बीटा होता है ना? ना, बीटा नहीं होता यहाँ पे, बीटा नहीं होगा। ओके, चलिए हाइड्रोफिलिक का मतलब मैं बता रहा हूँ। सी, जो लिपिड लेयर है जिसके अंदर टेल प्रेजेंट है, ठीक है, टेल पोर्शन जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। फाइन, तो वो हाइड्रोफोबिक मटेरियल को तो अपने पास आने नहीं देगा, सटने ही नहीं देगा,
है कि नहीं ना, तो उसमें हमें एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को इंसर्ट करना पड़ता है, कोई एक सब्सटेंस को इंसर्ट करना पड़ेगा जो कि पानी वाले मॉलिक्यूल्स को अलाउ करे आने जाने के लिए, है ना। तो वाटर लविंग नेचर का एक प्रोटीन हमने डाल दिया जिसको चैनल कह रहे हैं। समझ में आया ज्योत्सना? समझ में आया? इंटीग्रल प्रोटीन हाइड्रोफिलिक नेचर का ही क्यों दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोफोबिक नेचर का टेल प्रेजेंट है, टेल भी हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, है ना, और इंटीग्रल प्रोटीन भी हाइड्रोफोबिक नेचर का हो जाएगा, तो चैनल प्रोटीन का रहने से फायदा क्या होगा, वो भी हिंडर कर देगा, वो भी आने नहीं देगा मटेरियल्स को, वाटर वाले मेटल्स को, वाटर लिविंग मेटल्स को आने ही नहीं देगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ मॉडिफिकेशन देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो माइक्रोविली, माइक्रोविली पता है क्या होता है? इंटेस्टाइन में होता है। हाँ हाँ ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज एपिथेलियल सेल, इस एपिथेलियल सेल्स का इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होना है इस तरीके से, है ना। ये रहा आपका माइक्रोविली। ठीक है, माइक्रोविली है, माइक्रोविली का डायमीटर देखोगे तो इसका डायमीटर आएगा समथिंग अराउंड 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। फंक्शन क्या होगा इसका? एब्जॉर्प्शन। ठीक है गुड गुड गुड। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ब्रश बॉर्डर, अभी अभी तो पढ़े थे हम लोग बॉर्डर, स्पेलिंग से देखो तो बॉर्डर का। यस सर। फंक्शन क्या हो जाएगा जी इसका? इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एंड एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, प्रेजेंट इन व्हाट? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, वेरी गुड, बढ़िया है, डॉक्टर बनेगा तुम लोग, सबको बनना है, हेपेटिक सेल। ठीक है, बुक कौन सा खरीद रखा है तुम लोग रेफरेंस के लिए? सर, A to Z। A to Z बायोलॉजी, ठीक है, ढंग से पढ़ेंगे, NCERT तो लाइन बाय लाइन करेंगे, है ना। और जो हम एक बुक दिए थे आप लोग को, ई बुक दिए होंगे, एररलेस बायोलॉजी, यदि आपके पास कैपेसिटी है, यदि वो पढ़ ले रहे हो, तो भारत का कोई भी मेडिकल एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो, ये मैं लिख देता हूँ, और बहुत अच्छे रैंक से पास हो गए, बहुत अच्छे रैंक से, यदि वो कर पा रहे हो तो। सर कौन सा बुक बोले? एररलेस बायोलॉजी, एररलेस बायोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लोमाजोम्स। ठीक है, लोमाजोम्स क्या है? हेपेटिक सेल्स का होता है, हेपेटिक लिवर सेल, लिवर सेल, हेपेटिक कॉप्सिडा, लिवरवर्थ, याद आया? यस सर। हाँ, हेपेटिक कॉप्सिडा लिवरवर्थ, ऐसे करके पढ़ेंगे लोमाजोम्स, है ना। ये फोल्डिंग्स है, जैसे कि मीजोजोम्स होता है ना बैक्टीरिया में,
लोमोसोम्स इनवर्ड फोल्डिंग्स है इन द फंगल सेल, ठीक है, मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, इट इज द इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ inward folding of plasma membrane in fungal cell. ठीक है, फंगल सेल के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ा रखा है अंदर में, है ना, याद रखेंगे लोमोसोम्स पाया जाता है सिर्फ फंजाई में. दिस स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विथ एंजाइम्स के साथ एसोसिएटेड होता है. नेक्स्ट देखते हैं मीजोसोम्स, ये तो पता ही होगा सबको मीजोसोम्स. इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ व्हाट? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स? ठीक है, प्रोकैरियोट्स के केस में होता है ये. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. क्रोमेटोफोर, ठीक है, प्रोकैरियोट इट इज क्रोमेटोफोर, इसके बारे में बताएंगे. ठीक है, क्या लिखे हैं? इट इज द इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या फंक्शन है जी इसका बताओगे झट से? दो मिनट में, दो मिनट बोले, दो मिनट बहुत ज्यादा हो गया. जल्दी से फंक्शन बताएंगे मीजोसोम का. कौन कौन कौन, फास्ट फास्ट, जल्दी से जल्दी से फंक्शन बताएंगे इसका. सर, सेल डिवीजन एंड रेस्पिरेशन. वेरी गुड, पार्टिसिपेट इन फिलिंग, देखेंगे पार्टिसिपेशन का. पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन and respiration. ठीक है, एक्सेट्रा डाल रहा हूँ क्योंकि और भी बहुत सारे फंक्शन है इसका. नेक्स्ट इज क्रोमेटोफोर. ठीक है, क्रोमेटोफोर एक पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज है ना, जो कि इन्वॉल्व फोल्डिंग में ही प्रेजेंट रहता है ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है ना, इट इज द पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, प्रेजेंट इन द इनवॉर्ड इट इज द पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द, ये ज़रा सही रहेगा, फॉर्म्ड बाय द इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट. ठीक है, ये हो गया क्रोमेटोफोर. आगे देखते हैं टाइट जंक्शन. टाइट जंक्शन के बारे में बताया था क्या क्लास क्लास में? क्या था टाइट जंक्शन? सर, दो सेल्स के बीच में जंक्शन था जहां से कि कोई भी सब्सटेंस पास नहीं कर सकता है. हाँ, ठीक है. यू नो एक्चुअली डिडंट, है ना, ये प्रेजेंट रहता है दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में, जैसे कि ये रहा ना, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, फाइन. तो यहाँ से कोई मटेरियल पास नहीं हो सकता, है ना, यहाँ से मटेरियल की पैसेज नहीं होनी है ना, तो अंदर अंदर बोल रहा हूँ, बाहर से, ठीक ना, बाहर बाहर मटेरियल की पैसेज नहीं होनी. It is
प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट सेल्स ठीक है, डू नॉट अलाउ द फंक्शन इसे मेंशन कर रहा हूँ, डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ materials, do not allow the passage of materials कहाँ से across through interstitial space ठीक है, clear है, interstitial space है, किसी भी चीज को allow करने नहीं देता है. फिनिश, ये हो गया मॉडिफिकेशन. फंक्शन देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. फंक्शन प्लाज्मा, हाँ जी बोलो सर. क्रोमेटोफोर और मेसोसोम में क्या डिफरेंस है? किसमें किसमें? माइटो क्रोमेटोफोर और मेसोसोम में? मेसोसोम्स एंजाइम्स एसोसिएटेड है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक ना, उसके पास सिर्फ एंजाइम है रेस्पिरेशन करने के लिए. ओके, वो प्रेजेंट रह सकता है तुम्हारा फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के पास, है ना, लेकिन क्रोमेटोफोर सिर्फ प्रेजेंट रहेगा फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के पास ही, फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के पास ही प्रेजेंट रहेगा. ये डिफरेंस है. ओके सर, ठीक है, समझ में आया. आगे बढ़ूं, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एक करके फंक्शन बताना शुरू करेंगे आप लोग. It keeps the cellular material away from rest of the world. And it is highly selective permeable membrane. Highly selective permeable membrane है ये, है कि नहीं? ये regenerate भी हो सकता है, ठीक है. It helps in osmoregulation, osmoregulation means regulation of salt and water, membrane transport. ये लंबा चौड़ा एपिसोड है यार मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सेक्शन में देखते हैं कि किस तरीके से मटेरियल की पैसेज होती है इन साइटोप्लाज्म एंड आउटसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है. द प्रोसेसेस व्हिच ऑकर्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर, कितना जानते हो जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं, कितना जानते हो आप लोग? डिफ्यूजन हो सकता है, ऑस्मोसिस, चलो कुछ तो बोले, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड, FACILITY, स्पेलिंग देखेंगे, फैसिलिटेटेड है, ठीक है, फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट ठीक है। तो अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन तो पता ही है। व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन? पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस करें। डिफ्यूजन के बारे में पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद ऑस्मोसिस आते हैं। Movement of molecules from higher concentration to lower concentration. ठीक ना, lower concentration by crossing और डायरेक्टली इन द एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन। है ना, इसको डिफ्यूजन कहेंगे हम लोग। फाइन, ऑस्मोसिस इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ये डेफिनेशन है इसका। वेयर द वॉटर मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन। ध्यान देंगे क्या शब्द मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ऑस्मोसिस को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पहले ही बता चुके आप लोग को। फ्रॉम इट्स HIGHTR हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। फाइन, थ्रू हमेशा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। है ना, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में यही डिफरेंस है। ऑस्मोसिस कैम्फर का हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है, गैस का तो हो ही सकता है। फाइन, लेकिन ऑस्मोसिस शब्द हम लोग हमेशा यूज करते हैं इसके लिए, वाटर के लिए, लिक्विड के लिए। फाइन, नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होगा जी? Transport which does not need extra ATP. Extra ATP, या फिर there is no need of ATP at all. No need of ATP at all. ठीक है, no need of ATP at all. Passive transport. ठीक ना? It is the movement of material. Okay, it is the movement of material from higher concentration. ध्यान देंगे ये हमेशा यहाँ पे concentration gradient is prerequisite, means the concentration gradient should be there from the very beginning. Fine, रहना ही रहना है concentration gradient. It is the movement of metal from higher concentration to lower concentration. है ना,
नो नीड ऑफ आईटीपी टेस्ट प्लेस यहाँ पे, या फिर बोल सकते हो नो रिक्वायरमेंट ऑफ, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी देयर, ये इम्पोर्टेंट है। ग्रेडियंट मस्ट बी देयर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बरकरार रहना चाहिए पहले से ही, तब जाके ये प्रोसेस होगा। यदि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं रहेगा तो एक्टिव पैसिव, सॉरी पैसिव डिफ्यूजन या फिर पैसिव मूवमेंट होगा ही नहीं, ठीक है, पैसिव मूवमेंट नहीं होगा। आगे बढ़े, यस सर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, FACILI, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहने का मतलब होगा, मतलब समझेंगे क्या होगा इसका। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सेल, है ना, दिस इज आउटसाइड मटेरियल, ये आउट है, ये सेल के अंदर का कंडीशन है ना। यहाँ पे कुछ हाइड्रो फिलिक मटेरियल है ना, हाइड्रोफिलिक मटेरियल है, और इस हाइड्रोफिलिक मटेरियल को आना है सेल के अंदर, तो क्या हाइड्रोफिलिक मटेरियल सेल के अंदर आ सकता है? कंडीशन, कंडीशन यहाँ का कंडीशन दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे जंतु बैठा हुआ है जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का है, और वो हाइड्रोफोबिक नेचर का कौन सा जंतु है जी, है यहाँ पे कौन सा हाइड्रोफोबिक था, याद आया? हाँ, द टेल पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक, और हमें पानी लविंग नेचर वाले मटेरियल को सेल के अंदर ले जाना है, और बीच में एक भाई साहब बैठे हैं ये अलाउ नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, हटा देंगे उसको, क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो सेल की स्टेबिलिटी तो खत्म हो जाएगी। ओके 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 ओके, फॉर एग्जांपल, ओके फॉर एग्जांपल, आपके किचन से, है ना, किचन से पानी बाहर निकालना है, घर के बाहर निकालना है, तो क्या करोगे आप, किचन का दीवार तोड़ दोगे? नहीं सर। हाँ मिली, ओके, तो क्या करोगे, एक ईंट निकालोगे आप, है कि नहीं, आप एक ईंट निकालोगे और उस ईंट पे जो होल क्रिएट हो गया उसमें एक पाइप डाल दोगे आप, अब आसानी से पानी बाहर निकल सकता है किचन से, है कि नहीं, है ना, तो सेम यहाँ पे भी वही किया जाएगा, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या करेंगे, ठीक ना, एक यहाँ पे चैनल डाल देंगे हम, दिस इज चैनल, अभी अभी हम इस चैनल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, याद करो जरा चैनल के बारे में, इंटेग्रल प्रोटीन फॉलोस सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, क्यों लिखवाए थे हाइड्रोफिलिक इन नेचर, रीजन था, रीजन था, रीजन यही था कि भैया ये बीच में एक गड़बड़ व्यक्ति बैठा हुआ है ना, वो मटेरियल को पास आउट नहीं करेगा, पास इन पास आउट होने नहीं करना है, नहीं करना है उस चीज को, तो चलो हम वहाँ पे बैठ जाते हैं, हम ही अलाउ करेंगे किसी भी चीज को अंदर जाने के लिए या फिर बाहर निकलने के लिए, फाइन, तो वहीं पे रोल डिफाइन हो गया भैया इंटेग्रल प्रोटीन का, चैनल का, समझ में आया, समझ आया, लो, यस, फाइन, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, done for facilitated diffusion, done for passing the
हाइड्रोफिलिक मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन. फाइन, ठीक है. सो इट इज डन विथ done through porine, yeah, channel. ठीक है, आज हम यहीं तक रहने देते हैं. अरे यार प्रॉब्लम आ गया ना. अगले क्लास में हम porines वगैरह डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक ना. एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, कंपेरिजन करेंगे. फाइन, उसके बाद हम लोग दूसरे सेल ऑर्गेनेल पे पहुंचेंगे. ओके, ये देख के बताएंगे कहाँ तक गया. देखिए तो कहाँ तक गया. चैनल्स तक गया, इसके बाद स्क्रीनशॉट देना होगा. बड़ा परेशानी है यार इसमें. सर मेडिकल का दो ग्रुप क्यों बना हुआ है, ए एंड बी? I don't know. अभी आप शायद बी वाले में सेंड किए. हाँ, आप लोगों के पास नहीं आया? नो सर. नहीं सर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. I want to read off from this. नहीं, 11 medical 22 इसी में तो भेजे हैं. आखिरों का तो है, 11 MB लिखा हुआ यार उसमें. अब रीड ऑफ करने के लिए मैं कितना बार, ये क्या है, नोट्स है ना. आया? यस सर. ये क्या है, नोट्स है, इसमें तो कुछ हमको लगता है कुछ गया ही नहीं इसमें. आ गया क्या, देखो तो. नहीं सर, कुछ नहीं आया. वही तो, मैं खाली डब्बा गया इसमें. आप देखो तो. अब आया? यस सर. अब रोटेट हो जाए यार, अब स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा. हाँ उसमें. ओ हालेलुया, कम ऑन. ये वाला एपिसोड मेरे को बहुत ही इरिटेशन वाला एपिसोड लगता है. अब इतना लंबा चौड़ा मुझे स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा. एक पेज दो, इसमें वार्निंग भी नहीं देता ना कि पेज भर चुका, आप दूसरा यूज कर लीजिए. तीसरा इसको रिजेक्ट करना होगा.
यार। चलो हो गया। तीन था ना? चलो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। कल छुट्टी है, परसों मिलते हैं हम लोग। ठीक थैंक यू सर। है। हाँ, क्या नहीं आया अभी? अभी आया सर। ओके फाइन फाइन। ओके ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बाय। कौन? चाकू कहाँ पर देखा था? चाकू इधर कहाँ? Thank you.
अरे मैं तो सीन चलाई थी।